हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केरलास रसोई। आज हम बनाने जा रहे दो टाइप का चटनी, एक नारियल का चटनी और एक बिना नारियल का चटनी। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो के ओर। हम एक चटनी बनाने जा रहे हैं, इसलिए देखिए क्या करना है। मैं थोड़ा सा तेल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा तेल दीजिए और साथ में मूंगफली और उड़द दाल साथ में दीजिए, फ्राई होना है। ये फ्राई होने का टाइम हम क्या करना है, थोड़ा लहसुन और थोड़ा अदरक भी साथ में दीजिए और एक साथ चारों एक साथ फ्राई हो जाएगा। ऐसे हिलाते रहिए, दो मिनट में ये हो जाएगा। अभी मेरा ये ब्राउन हो गया, उड़द की दाल फ्राई हो गया, साथ साथ मूंगफली लहसुन अदरक सब फ्राई हो गया। इसी पे स्टोव ऑफ कीजिए और हमें देना है आधा चम्मच चिल्ली पाउडर। फिर इसको हम मिक्सी का डाल जार में डाल दीजिए। एक छोटा सा टमाटर लेना, मैं वो काट के रखिए, मिक्सी का जार में दीजिए। और क्या करना है, आधा चम्मच नमक भी देना है और पानी दीजिए। फिर इसको अच्छा पेस्ट बना लीजिए। देखिए अभी ये मैं अच्छा से पेस्ट बनाया, इसको एकदम सॉफ्ट पेस्ट बन गया। अभी इसको हम तड़का डालना है। तड़के के लिए मैं पैन रखा था, अभी ये पैन गर्म हो गया, इसमें डाल रहे आधा चम्मच तेल, साथ में दीजिए सरसों। लाल मिर्च सरसों रेडी हो गया, इसमें अभी दीजिए कड़ी पत्ता। फिर हम देना है हमारा जो पेस्ट बनाया, इसमें दीजिए और साथ में पानी दीजिए, आपको जो जितना पानी चाहिए वो पानी दीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब नमक चेक करो, नमक अच्छा आए तो और नमक दीजिए। ये देखिए, ये है मेरा कंसिस्टेंसी, बस इतना ही चाहिए, चटनी रेडी हो गया। वेरी सिंपल तरीके की चटनी है। अभी चटनी रेडी हो, बॉईल नहीं होना, ये अच्छे से गर्म होना, बस हो गया। ना हमारा दूसरा चटनी बना रहे है नारियल का चटनी। नारियल का चटनी के लिए मैं अभी ले रहे वो एक नारियल का हाफ नारियल ग्रेटेड है और उसमें मैं दे रहे तीन या चार आपका टेस्ट जैसे हरी मिर्च और देना है अदरक भी ऐसे छोटा पीस काट के और एक प्याज का, एक प्याज पूरा नहीं चाहिए, थोड़ा आधा आधा पीस काट के इसमें दीजिए और हमें देना है नमक। नमक भी देके पानी देके इसको अच्छे से पेस्ट बनाना। ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छा पेस्ट बन गया। अभी इसको हम करना है तड़का लगा के, ये तड़के में डाल के थोड़ा हल्का गरम करना है। मैं पैन रख दिया तड़के के लिए, थोड़ा सा गरम हो गया, उसी टाइम दीजिए एक चम्मच तेल। इसी में हम देंगे थोड़ा सा सरसों और हमें देना है रेड चिल्लीस और हम देना है ये प्याज, ऐसे थोड़ा छोटा पीस पीस काट के, ये जरूरी नहीं है लेकिन ये इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आते है। ये भी ये तड़के में दीजिए, ऐसा थोड़ा फ्राई होने दीजिए। फिर फ्राई होने के बाद हम देना है कड़ी पत्ता।
है थोड़ा सा फ्राई हो रहे, इसी में हम दे रहे कड़ी पत्ता। अब साथ साथ देना है जो टेस्ट हमने बनाया वो भी साथ साथ दिया। इसी के हम देना है पानी, वो कैसे आपको कितना चटनी का कंसिस्टेंसी कैसे चाहिए ऐसे पानी दीजिए। नमक पहले हम एक बार दिया था, अभी पानी डालने का टाइम भी नमक वापस चेक कीजिए और चाहिए तो और नमक दीजिए। ये हो गया हमारा नारियल का चटनी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।